Good morning, students. This is your 6th class science, and we are going to continue with our chapters. That is chapter number 2, and our topic was dietary fiber. Okay? So, you can see dietary fiber. All kind of fruits, green vegetables, whole grains and pulses are the main sources of fibers called dietary fibers. जो food के अंदर fibers present होते हैं वो कहलाते हैं dietary fibers. ठीक है? सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द फूड कॉन्स्टिट्यूट डाइट्री फाइबर सीड कोट्स ऑफ ग्रेन्स. ठीक है, जो भी अनाज होते हैं उनके ऊपर का जो कोट होता है, ठीक है, वो कहलाता है फाइबर. ठीक है, पल्सेस आर रिच इन फाइबर्स. दालों में, अनाजों में, ये सब में काफी फाइबर प्रेजेंट होता है. फाइबर एक्ट एज लाइक रफेज एंड इज इम्पोर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज. सो यहाँ पे फाइबर किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है वो देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रफेज एड बल्क टू अवर फूड एंड हेल्प इन इट्स मूवमेंट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. बल्क यानी कि उसका जो साइज है वो बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर सकता है. इट हेल्प्स द रिटेंशन ऑफ वाटर. ज्यादा से ज्यादा बॉडी को हमारे अंदर रिटेन करके रुक करके रखता है एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, और एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? यू कैन सी हियर लैक ऑफ फाइबरस डाइट. जब हम फाइबर ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फाइबर कम होता है तो जो स्टूल पास करते हैं, ठीक है, जो यूरिन पास करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है. ठीक है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पास द स्टूल थ्रू द एनस. ठीक है, सो जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है वो काफी हार्ड हो जाता है, तो बाहर उसे वेस्ट को बाहर निकालने में काफी प्रॉब्लम होती है थ्रू एनस. तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, वाटर कम हो जाता है तो स्टूल पास होने में काफी प्रॉब्लम होती है, जिस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, तो इस कंडीशन से कौन बचाता है हमें? डाइट्री फाइबर्स. नाउ थर्ड वन इज इट ऑल्सो रिड्यूसेस एक्स्ट्रा एसिडिटी इन द स्टमक. सो ये क्या करते हैं? जो एसिडिटी है वो भी कम कर देते हैं. नाउ रफेज रिटेन्स वाटर एंड कीप्स द स्टूल सॉफ्ट. सो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर रफेज नहीं होगा, ठीक है, डाइट्री फाइबर नहीं होगा, तो वाटर हमारे बॉडी में कम रुकेगा और जिसके वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन बचा रहा है उसे? डाइट्री फाइबर. नाउ द सेकेंड वन इज वाटर. हेयर वी नो दैट अबाउट 70% अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर. हमारे बॉडी में ज्यादा 70% क्या है? वाटर है. उसके अलावा फिर बाकी सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, और मसल्स वगैरह सब हैं. 70% क्या है? इट इज वेट ऑफ वाटर. ओके, नाउ एवरी ब्लड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, वाटर के बिना बॉडी क्या है? अगर हमारे बॉडी से वाटर निकाल देंगे तो क्या होगा? बॉडी एकदम सूखी सी हो जाएगी, स्किन भी एकदम सूखा सा हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपने वो मरी हुई किसी चीज को देखा होगा, मरी हुई किसी जानवर को देखा होगा जो एकदम से सूख जाता है, सिर्फ कंकाल बचता है. ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा? कुछ नहीं. ठीक है, इसका मतलब जो 70% वेट है वो क्या है? दैट इज द वेट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन साइड अवर बॉडी. ना इवन ब्लड कंटेन्स वाटर. ब्लड के अंदर भी क्या है? वाटर ही है. ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस फंक्शन. सो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस? यू कैन सी फर्स्ट इट इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट. सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? जो अपने अंदर किसी दूसरी चीज को घोलता है. ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट एंड हैज हेल्प इन डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ठीक है, चीजों को यहाँ हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉलो करता है. ठीक है, तो पूरे बॉडी के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो भी चीजें हैं, मिनरल्स विटामिन हैं, ठीक है, वो सारे कौन यहाँ से वहां पहुंचाता है? सो वो ब्लड पहुंचाता है. ब्लड के अंदर क्या है? वाटर है. क्लियर? एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें भी ये वाटर हेल्प करता है. ना इट हेल्प्स इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि जो भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकालने में भी कौन हेल्प करता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. ठीक है, यूरिन पास करना, स्वेट पास करना, ठीक है, पसीना और ये वेस्ट है, तो ये बॉडी में जो वेस्ट है उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. नाउ इट एक्ट एज मीडियम फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द बॉडी. सो बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं?
सो बायोलॉजिकल दैट इज डाइजेशन है, एब्सॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ये सारे प्रोसेस जो है, रेस्पिरेशन है, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इन सबका मीडियम क्या है, मीडियम इज वाटर. नाउ फोर्थ वन, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, सो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, सो बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, यूजुअली बॉडी का टेम्परेचर वाटर ही मेंटेन करता है. ठीक है, नाउ अवर बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, हमारे बॉडी को बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है, तो हमें कितना वाटर पीना चाहिए, कम से कम 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, दैट इज अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे टू स्टे हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए इतना पानी कम से कम पीना चाहिए. वी फुलफिल अवर डेली वाटर रिक्वायरमेंट्स इन द फॉलोइंग वेज, तो हम अपने वाटर डेली वाटर रिक्वायरमेंट्स इन तरीकों से पूरा कर सकते हैं. सी फर्स्ट, बाय ईटिंग फ्रूट्स. फ्रूट्स के अंदर भी 70 to 80% क्या होता है, वाटर होता है, तो अगर ज्यादा फ्रूट लेंगे या वेजिटेबल खाएंगे तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा. सेकेंडली, बाय टेकिंग ड्रिंक्स लाइक मिल्क. मिल्क में भी क्या होता है, वाटर, कॉफी, टी, वाटर, सो इनसे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या जाएगा, वाटर. फ्रॉम अवर डेली फूड थ्रू करीज एंड चपातीज. ठीक है, सो जो हम डेली फूड खाते हैं उनमें भी क्या है, वाटर है, तो उनसे भी हमें क्या मिल रहा है, बॉडी के अंदर वाटर जा रहा है. ठीक है, सो बॉडी के अंदर अगर गर्मियों में जब ज्यादा बाहर आप घूमते हैं तो क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर से ज्यादा वाटर बाहर निकल जाने के प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन. ठीक है, सो अगर ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो कंडीशन क्या होता है, बहुत खराब भी हो जाती है, अगर उसे ठीक से प्रॉपरली केयर नहीं किया गया तो. एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव स्वेटिंग इन हॉट समर डेज. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या रीजन है डिहाइड्रेशन होने का, सो स्वेटिंग यानी ज्यादा पसीने का बाहर निकलना हॉट समर डेज में. ठीक है, बॉडी से ज्यादा पसीने के रूप में वाटर बाहर अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाती है. एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड डायरिया. ठीक है, ज्यादा वॉमिटिंग हुई, डायरिया, ठीक है, रिपीटेड लूज मोशंस होते रहे तो इससे भी क्या होता है, वाटर के अंदर, वाटर के बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है और इसलिए ये डिहाइड्रेशन का कारण है. ठीक, सो इसे कैसे ओवरकम किया जाता है, सो आपने ओआरएस सुना होगा, ओआरएस का घोल होता है, ठीक है, जिसे हम घर में भी बना सकते हैं, वाटर लेके उसमें कुछ हाफ टी स्पून समथिंग सॉल्ट लेके, सॉल्ट और उसमें कुछ शुगर ऐड करके क्या कर सकते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहे और आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फूड टेस्ट. नाउ फूड टेस्ट, हर एक फूड के आइटम के अंदर, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कुछ की क्वांटिटी ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हीट हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो व्हीट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, इट हैज कार्बोहाइड्रेट इन इट. ओके, सो वी कैन सी दैट व्हीट इज रिच इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम कहते हैं कि व्हीट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है. ठीक है, सिंपल टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन द फूड आइटम फॉर फाइंड आउट न्यूट्रिएंट्स दे कैन दे कंटेन इन एक्सेस. तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं फूड टेस्ट. ईच न्यूट्रिएंट हैज इट ओन टेस्ट, हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग सा टेस्ट होता है. ठीक है, और उसके लिए हमें बहुत सिंपल से यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, सो उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, टेस्ट ट्यूब लेना है, क्लैंप लेना है, टेस्ट ट्यूब रैक लेना है, स्मॉल बीकर लेना है, ड्रॉपर लेना है, पेस्टल, मोटर, वाटर, स्पिरिट लैम्प और बर्नर. फूड आइटम्स टू बी टेस्टेड, स्पेसिफिक रिएजेंट, कुछ केमिकल सब्सटेंस लेने पड़ेंगे और दिस आर द सब्सटेंसेस. ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स लेके और उसका टेस्ट जब हम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. हेयर इट इज टेबल गिवन, कि इससे पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट इसके अंदर कौन सी चीज के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है. ओके, सो हेयर यू कैन सी न्यूट्रिएंट एंड रिएजेंट यूज. सो स्टार्च टेस्ट दिया है, टेस्ट फॉर शुगर, टेस्ट फॉर फैट, टेस्ट फॉर प्रोटीन, हेयर इट इज गिवन, वी विल स्टडी इट इन अवर लैब. ओके, सो हाउ टू डू, वी कैन चेक इट इन अवर लैब. नाउ
सी प्रिकॉशन. सो लैब के अंदर कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं हमेशा, ठीक है. सो हेयर होल्ड द टेस्ट ट्यूब विथ होल्डर, होल्डर हेयर इट दिस इज होल्डर, ठीक है. जो टेस्ट ट्यूब पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, होल्डर. ऑलवेज स्टैंड द टेस्ट ट्यूब इन द स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हमेशा खड़ा करना चाहिए. आई विल शो यू ऑल दिस थिंग्स इन आवर लैब, ओके. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? द फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डेली डाइट, ठीक है. जो हम रोज खाना खाते हैं उसे हम डेली डाइट कहते हैं, ठीक है. ऐसा डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, वो भी राइट प्रोपोर्शन में, ठीक है. जितनी हमें क्वांटिटी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी प्रोपोर्शन हमें चाहिए उस प्रोपोर्शन में अगर मौजूद है, ठीक है, और सारे ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फूड को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है. डेली डाइट जो हम रोज खाते हैं, बैलेंस्ड डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अ राइट प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, डाइट्री फाइबर्स, वाटर, ऑल शुड बी प्रेजेंट इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, दैट इज बैलेंस्ड डाइट. नाउ फूड फैट, ठीक है. फूड फैट, ये पीपल थिंक रॉन्गली दैट कॉस्टली फूड आइटम्स आर मोर न्यूट्रिशियस. लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा महंगा वो खरीदते हो खाएंगे उतना ही ज्यादा वो न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. काजू बादाम खाने से बेहतर अगर हम कार्बोहाइड्रेट के लिए हम पीनट्स भी खा सकते हैं, जो कि उतना महंगा नहीं है और वो एक गुड सोर्स भी है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है. सीजनल फ्रूट्स चीप होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं, सो और गुड सोर्स होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन के. तो हमें वो सीजनल नॉन सीजनल कॉस्टली फ्रूट से ज्यादा अच्छा है कि हम सीजनल फ्रूट खाएं, जो हर एक सीजन में जो फ्रूट आते हैं वो खाएं, वो काफी बेहतर है नॉन सीजनल कॉस्टली फ्रूट से, ठीक है. बैलेंस्ड फूड हमेशा ध्यान, कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए बैलेंस्ड फूड के लिए, डिपेंडिंग अपन द एज ग्रुप सेक्स एंड प्रोफेशन, ठीक है. सो बैलेंस्ड डाइट और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ग्रुप सेक्स एज के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन, क्योंकि उसे प्रोटीन क्यों ज्यादा चाहिए, बिकॉज ही इज एट द ग्रोइंग स्टेज. ग्रोइंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन. नाउ सेकेंड वन, अ पर्सन डूइंग मच फिजिकल लेबर, जो ज्यादा फिजिकल लेबर कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो उनके जो डाइट है उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. नर्सिंग मदर, ठीक है, जो फीडिंग मदर होती हैं उनको क्या ज्यादा रिक्वायर चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन, क्योंकि उनके बेबी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ओके. यू कैन सी द डेली बैलेंस्ड डाइट फॉर अ चाइल्ड ऑफ 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है. 12 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए क्या क्या जरूरत होती है और किन चीजों में प्रेजेंट होती है, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन, ओके. नाउ मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, हाउ द फूड क्वालिटी ऑफ द बैलेंस्ड डाइट शुड बी मेंटेन, ठीक है. जो फूड क्वालिटी होती है उसे किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है. सो उसके लिए यू कैन सी रॉ फूड, जो कच्चा खाना होता है कैसे उसे प्रिजर्व करना चाहिए. ऑलवेज ईट फ्रेश एंड डिजीज फ्री फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमेशा डिजीज फ्री होने चाहिए, ठीक है. बिफोर ईटिंग वॉश देम प्रॉपरली विथ वाटर टू रिमूव जर्म्स. थर्ड, इंस्टेड ऑफ बाइटिंग द फ्रूट एज अ होल कट इनटू स्लाइसेस, ठीक है. पूरा दांतों से खाने से अच्छा है उसे स्लाइस कर ले और उसके बाद खाएं. सम फ्रूट्स में भी रॉटन इंटरनली हो सकता है कि अंदर से वो सड़ा हो, ठीक है, इसलिए हमें स्लाइस करके खाना चाहिए. दीज आर एग्जाम्पल्स. डोंट पील फ्रूट्स अननेसेसरली एज अ बक ऑफ विटामिन लाइज क्लोज टू द पील. तो हमें जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स को बिना छिले ही खाना चाहिए, अच्छे से वॉश करके फिर खा लेना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन होते हैं ज्यादातर जस्ट जो कवरिंग होती है उसी के नीचे ही होती है. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैन बी ईटन विदाउट पीलिंग ऑफ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पीच, ग्रेप्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, बिना छिले भी खा सकते हैं. सो हमें वैसे ही खाना चाहिए, स्लाइस करके हमें बिना छिले खा लेना चाहिए. मिल्क शुड बी बॉइल्ड और पैस्टराइज टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स. तो हम दूध जो है हमेशा गर्म करके पीना चाहिए. नाउ प्री कुकिंग प्रिपरेशन, ठीक है. वेजिटेबल शुड बी वॉश प्रॉपरली, यानी कि कुकिंग के पहले क्या क्या प्रिपरेशन होती है वो क्या करना चाहिए. वेजिटेबल्स पकाने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपरली वॉश्ड करके अच्छे से उन्हें छील के काट के बनाना चाहिए. स्क्रब और रिमूव ओनली थिन पील्स, एकदम जो अपर लेयर होती है सिर्फ उन्हें ही रिमूव करें.
देन वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव जर्म्स. वॉशिंग क्यों करते हैं? टू रिमूव द जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम द पल्सेस ग्रेन्स एक्सेट्रा. बट वाटर सॉल्युबल विटामिन आर लॉस्ट बाय ओवर वॉशिंग. तो ज्यादा भी नहीं धुलना चाहिए क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. हमने पढ़ा है टू टाइप्स ऑफ विटामिन, दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज डोंट थ्रो अवे द वॉटर इन विच पल्सेस आर प्री सॉफ्ट. ठीक है, जो कभी कभी हम कुछ दालें बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले भिगो के रखते हैं. चना अगर भिगो के रखा है तो उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वो यूजफुल होता है, उनमें कई विटामिन होते हैं. डोंट सीव द व्हीट फ्लोर एज द फाइबर रिच इन प्रोटीन एंड रफेज. ठीक है, सो व्हीट जो होता है, गेहूं का आटा जो होता है, उसे बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए जिससे कि उसकी जो फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे खाने में आ जाए. ठीक है, देन कुक्ड फूड. ठीक है, खाने को किस तरीके से पकाना चाहिए. पफिंग, रोस्टिंग, तला हुआ जो रहता है वो अच्छा नहीं रहता, उसके बदले हम पफिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, आर द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग. स्टीम कुकिंग इन अ कुकर इज बेटर देन ओपन प्रोलॉन्ग कुकिंग. ठीक है, कुकर में खाना बना हुआ ज्यादा बेटर है. ठीक है, और जो ओपनली बनाते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है, या डीप फ्राइंग अच्छा नहीं रहता है. ठीक है, नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेस. डेफिशिएंसी यानी कि जो भी मिनरल्स विटामिन होते हैं उनकी बॉडी में अगर कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी किसी भी एक या दो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसे डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. ठीक है, एंड सच अ न्यूट्रिशियस विच लैक अ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. और ऐसे कंडीशन को माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है. ठीक है, वेन ए पर्सन गेट लेस न्यूट्रिएंट, अगर उनमें न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है, तो उसके वजह से बॉडी क्या हो जाती है? सिक एंड अनहेल्थी. दिस स्टेट इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन यहाँ पे न्यूट्रिएंट लैक होता है तो माल न्यूट्रिशन. ठीक है, और अनहेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, जिसे पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है. और यहाँ पे खराब है, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है वो माल न्यूट्रिशन है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? लीड्स टू वीकनेस, लॉस ऑफ स्टेमिना. ठीक है, यानी कि एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? फिजिकल वर्क कहीं भी मन नहीं लगेगा, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉस एनर्जी लॉस समझ में आएगा. ठीक है, नाउ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? क्वासी हॉर्कर्स. सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? देखो, ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, डीकलरेशन, कलर्स में चेंजेस आ जाता है, हेयर, थिन लिम्स, बेंडिंग ऑफ लेग बोन्स, स्वेलिंग ऑफ फेस, बल्जिंग ऑफ आईज यानी आंखें बाहर की तरफ निकलना, लार्ज पॉट लाइक बेली. बेली सिर्फ ऐसा लगता है सारी चीजें जो भी आ रही है वो सिर्फ बेली में है, बेली बड़ी सी दिखने लगती है और बाकी सब थिन दिखाई देता है. डायरिया यानी लूज मोशंस, वॉमिटिंग. ठीक है, सो ऐसे कंडीशन, एनेमिक, बच्चा एनेमिक भी हो जाता है एंड शोज मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग भी सही से नहीं चलता है. ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 मंथ्स टू 3 ईयर. 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को ये डेफिशिएंसी हो सकती है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. सो क्या कहा जाता है इसे? प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन ग्रोथ के लिए, एनर्जी फॉर कार्बोहाइड्रेट, माल न्यूट्रिशन यानी इनकी कमी. ठीक है, सो इट इज कॉमन में छोटे बच्चों में ही ये कॉमन है और इस डिसीज को कहा जाता है मरासमस. प्रोटीन के डेफिशिएंसी क्वासी हॉर्कर, इन दोनों के डेफिशिएंसी मरासमस. ठीक है, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस बिकम वेरी थिन एंड वीक, काफी कमजोर हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है. ठीक है, वहां से पेल एंड हंग्री, हमेशा भूखे दिखाई देते हैं और कलर भी चेंज हो जाता है. ग्रोथ ऑफ द बॉडी स्टॉप्स, बॉडी ग्रोथ रुक जाती है. चिल्ड्रन शो मेंटल रिटार्डनेस, बच्चे के अंदर भी क्या है? दिमागी तौर से भी काफी कमजोर हो जाता है. ना डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन. विटामिन्स की डेफिशिएंसी देख लेते हैं. अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाती है. पुअर विजन, ड्राइनेस ऑफ आईज. विटामिन बी, बेरी बेरी डेफिशिएंसी. डिसीज का नाम क्या है? बेरी बेरी क्या होता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. विटामिन सी, स्कर्वी. क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स, पेन इन लिम्स. ठीक है, देन विटामिन डी, रिकेट्स. रिकेट्स क्या होता है?
बोन जो है पैर की बोन वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, बो शेप में हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। नाउ विटामिन ई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, डैमेज ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होने लगते हैं, लॉस ऑफ मसल्स, स्लो क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड्स जो है वो जल्दी कहीं भी अगर आप गिर जाते हैं तो, और ब्लीडिंग जो हो रही है वो जल्दी से बंद नहीं होती है, दैट इज विटामिन की हिमोरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सो ब्लड क्लॉटिंग लीड्स टू हेमोरेज और इंजरी, डीके ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग लीड्स टू हेमोरेज, ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हो पाता है सही टाइम पर तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा खून बह जाता है और उस कंडीशन को, ज्यादा खून बह जाने के कंडीशन को, एक छोटे से घाव पर ज्यादा ब्लड बह जाने के कंडीशन में क्या क्या हो जाता है, हेमोरेज, ओके, डीके ऑफ बोन्स, बोन्स एंड टीथ क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। देन विटामिन B2, B3, B6, स्किन डिजीज, अगर इनकी कमी है तो बॉडी में क्या होने लगेगा, स्किन डिजीज होने लगेंगे, B12 की कमी है तो एनेमिक कंडीशन हो जाएगा, जो आरबीसी है उसका सेल शेप जो होता है वो राउंड होता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उनका शेप ओवल हो जाएगा और ऐसी कंडीशन एनेमिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जिससे वजह से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ना डेफिशिएंसी ड्यू टू मिनरल्स, मिनरल्स की वजह से क्या क्या होता है, जैसे कि मिनरल्स क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, दिस आर द मिनरल्स, यू कैन सी डिसीजेस, अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है तो रिकेट हो जाता है, ठीक है, रिकेट क्या है, पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स, बोन्स बिकम फ्रेगाइल, फ्रेगाइल यानी जो इजिली टूट सकते हैं, आयरन एनीमिया जो अभी हमने बात की थी, आयरन का जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काफी हमें थकान होने लगेगी। आयोडीन गोइटर जो थायराइड ग्लैंड में गले के पास जो आपने बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर देखा होगा किसी पिक में, ठीक है, दैट इज गोइटर। फ्लोरीन डेंटल कैरीज यानी दांत सड़ने खराब होने लगते हैं, कैविटी खराब हो जाती है। फॉस्फोरस मसल वीकनेस। नाउ मिड डे मील, सो बहुत सारे हमने वीकनेस देखी, ठीक है, सो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलेशन है जिसकी वजह से लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है, सो इस वजह से गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स खोली है, उनमें से एक स्कीम है मिड डे मील। गवर्नमेंट क्यों खोलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में कम से कम खाने के लिए तो आए, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं लेकिन खाने के लिए तो आए, जिसकी वजह से उन्हें इन सारी फैसिलिटीज के बारे में पता चले, ताकि उन्हें क्या हो, ये इस तरीके से जो भी डिसीज है वो ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम इन प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, सो हर एक स्टेट में मिड डे मील स्कीम है। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बाय द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसके अंडर में चल रहा है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों ये किया है, टू ओवरकम माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, उनको स्कूल में कम से कम एक वक्त न्यूट्रिशियस मील मिले, ठीक है, न्यूट्रिशियस खाना मिले। टू इंक्रीज लिटरेसी, ताकि खाने की वजह से वो अगर स्कूल में आते हैं तो वो पढ़ भी लेंगे, तो इससे क्या होगा कि लिटरेसी भी बढ़ेगी, लिटरेट भी पड़ेगा। टू कीप चिल्ड्रन हेल्दी, अब खाना खाएंगे, माल न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो क्या होंगे, हेल्दी बनेंगे, ठीक है, अनहाइजेनिक फूड ना खाएं और यहां वहां न घूमें। टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड टूगेदरनेस,